हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी होली। आज हम कांजीवाड़ा बनाएंगे, तो मैं आपको बहुत इजी वे में कांजीवाड़ा बनाना बताऊंगी। तो चलिए, कांजी बड़ा बनाने के लिए मूंग धोवा दाल लेंगे हम। ये एक बाउल मूंग धोवा दाल है, तो इसे हम पानी में 2 घंटे के लिए भिगा देंगे। तो मैं इसे अच्छे से पानी से धो लूँगी और इसे भिगा के रख देंगे 2 घंटे के लिए। दाल भीग चुकी है, 2 घंटे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं दाल फूल भी गई है। तो इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे इससे। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी झर जाना चाहिए सारा। सारा पानी निकल गया तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बन गया है दाल का। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी बाउल में निकाल ली है दाल, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, और अच्छे से मथना हमें, जिससे हमारी बड़े बहुत अच्छे से बने। तो तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम छोटे छोटे बड़े निकाल लेंगे। तो मैंने पहले भी इसी तरह से बहुत सारे बड़े निकाल लिए थे। ऐसे बहुत इजी और बहुत फटाफट से बड़े बन जाते हैं, और जो हाथ से वो बनाते हैं वो बहुत टाइम भी लगता है, हर कोई बना नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको ये इजी वे में और फटाफट बनने वाला तरीका बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़े रेडी हो रहे हैं, तो इसमें कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रेड हो जाएगा, तो इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे ताकि अंदर तक दाल पक जाए बड़े की। रेडी है बड़ा, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी गोल्डन हो गया है, रेड इज़ गोल्डन। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम सारे सारे दाल के बड़े बना लेंगे। इसी तरह हम सारे बड़े निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बहुत इजी वे से कांजी बड़ा बनाना बता दिया है, तो आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने सारे बड़े इसी तरह से निकाल लिए हैं और रेडी है बड़ा। तो अब हम कांजी बनाएंगे। तो कांजी के लिए हमें 1 टीस्पून हम काली सरसों लेंगे, जिसे हम राई भी बोलते हैं। इसे हम मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। तो एक थाली लेंगे, बड़ी सी प्लेट लेंगे, उसमें हम राई को डाल देंगे, राई का पाउडर को, और उस पर हम नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे, और ज़रा सी हींग डालेंगे, और इसे हम अच्छे से हाथ से मथेंगे। चम्मच ना ले, कोई स्पून ना ले आप, और हाथ से ही मथें। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मथेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तब तक 10 मिनट करीबन हमें मथना है इसे। उससे क्या होगा ना, पानी बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। तो इसे हम एक कांच के जार में डाल लेंगे, आप स्टील में भी डाल सकते हैं। इसका सारा पानी हम इसी तरह से धो के सारा इसमें डाल देंगे, कांच के जार में। तो इसमें हम टोटल मिला के 4 गिलास पानी डालेंगे, और अब इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं रेडी है कांजी बड़ा, पर इसे हम एक दिन के लिए ऐसे ही ढक्कन लगा के कवर करके रख देंगे, छेड़ेंगे नहीं। तब ये दूसरे दिन टेस्ट और भी अच्छा आएगा, थोड़ा खट्टा, और थोड़ा बहुत अच्छा कांजी बड़ा बनेगा।
एक दिन रख के ही आप ज़रूर इसे दूसरे दिन ट्राई कीजिएगा। रेडी है कांजी वड़ा। कैसी लगी ये रेसिपी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।